जय हिंद। अगर आपकी पासबुक गुम हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट पासबुक मिल जाता है, लेकिन उसका चार्ज कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखने वाली बात है। फ्री कब मिलता है? फ्री हमेशा मिलता रहता है दोस्तों, लेकिन कब तक मिलता है वो भी मैं बताऊँगा। और एक बात तो बता दूँ, बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप कस्टमर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छोटी बड़ी बातों के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी। आप जाइए बैंक में, सिर्फ काम कीजिए, फटाफट घर आइए, लेकिन जानकारी चाहिए आपको यहाँ इस वीडियो पर मिल जाएगी। आपको अपना समय बर्बाद करके बैंक जाने की जरूरत नहीं है, 90 से 95% तक की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं डुप्लीकेट पासबुक का चार्ज कितना होता है और कब फ्री होती है। तो देखिए दोस्तों, डुप्लीकेट पासबुक के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बैलेंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ मेल पे आपको मंगवाना हो तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं बैंक ऑफ इंडिया में तो फर्स्ट पासबुक जो है वो फ्री मिलती है। जी हाँ, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। फर्स्ट पासबुक भरा जाने के बाद दूसरी पासबुक होगी वो भी फ्री मिलेगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, मतलब अनलिमिटेड पासबुक आपको फ्री मिलेगी। कब फ्री मिलेगी? पासबुक भरा जाने के बाद। जी हाँ, उसके लिए कोई फॉर्म भरनी नहीं है, आपका पासबुक भरा गया वो लेकर जाइए बैंक कर्मचारी को दीजिए, वो आपको नई पासबुक दे देंगे बिना कोई फॉर्म भरवाए। लेकिन अगर आपकी पासबुक गुम हो जाती है, आपको फर्स्ट पासबुक मिली और वही पासबुक गुम हो गई या दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी पासबुक गुम हो गई, तो उसका चार्ज लगता है। उसका चार्ज लगता है दोस्तों 100 रुपया। जी हाँ, 100 रुपया चार्ज लगेगा और 100 रुपया प्लस उस पर GST हो गया 18 रुपया, तो 118 रुपया चार्ज लगता है नई डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए। क्लियर है? अगर आप बोलते हो उसमें मुझे एंट्री भी चाहिए तो एंट्री पड़ जाएगी, एंट्री, लेकिन कब से पड़ेगी? तो जो आपकी पासबुक गुम हो गई है उसमें जहाँ से एंट्री बाकी थी वहीं से पढ़वाओगे एंट्री, तो फ्री में पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बोलते हो कि मेरी पासबुक में जुलाई महीने से एंट्री बाकी थी, मुझे पिछले साल जुलाई से एंट्री चाहिए, तो उसका चार्ज लगेगा दोस्तों। और चार्ज कितना लगता है वो भी मैं बता दूँ आपको, एक पेज का 50 रुपया लगता है और एक पेज में सिर्फ 24 एंट्री आती है, तो एक पेज का 50 रुपया आप अपनी एंट्री का हिसाब किताब देख लेना है कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया होगा उतना ज़्यादा चार्ज लगेगा डुप्लीकेट एंट्री का। क्लियर है दोस्तों? ई स्टेटमेंट किन के लिए मिलता है? ई स्टेटमेंट फ्री मिलता है दोस्तों, करंट अकाउंट, CC अकाउंट, OD अकाउंट वालों को महीने में एक बार फ्री मिलता है। वो भी कब मिलेगा? जब हेड ऑफिस भेजेगी तब, उनकी मेल ID जब रजिस्टर्ड होगी तब, नहीं तो बैंक से उनको वो भी नहीं मिलता है। बैंक से उनको और जाकर वहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है। अगर उनका ईमेल ID है तो उनके ऑनलाइन आ जाएगा। अगर जी हाँ, सेविंग अकाउंट वाले चाहते हैं कि मुझे भी मेल पे ही मिला करे स्टेटमेंट, तो उनको ऑप्शन देना पड़ेगा कि मुझे पासबुक नहीं चाहिए, मुझे मेल पे ही चाहिए, तो पासबुक उनको नहीं मिलेगी, मेल पे ही मिलेगी, ध्यान रहे, लेकिन फ्री मिलेगी। ठीक है? और बैलेंस सर्टिफिकेट, आपको बैलेंस सर्टिफिकेट भी लेना है तो उसका भी चार्ज लगता है दोस्तों। बैलेंस सर्टिफिकेट का 150 रुपया प्लस GST 36 रुपीज़ हो जाएगा, तो 150 प्लस 36 करीब, मतलब हिसाब लगा लो 186 इतना होता है ना दोस्तों, तो इस हिसाब से चार्ज लगता है बैलेंस सर्टिफिकेट का भी। और इसमें कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी बता दूँ? कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही। और कुछ बाकी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद।